प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ग्राउंड ही अच्छा लगता है, जो फौज है उनके लिए बॉर्डर अच्छे लगते हैं। जो प्लेयर है हसन अली है या हमारी टीम है या इंडिया की पूरी टीम है, उनको चाहिए कि इस तरह की एक्ट अपने ग्राउंड में करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ना के इस तरह करे। हेलो गाइस, दिस इज फ्रॉम पाकिस्तानी रिएक्ट्स। हाय गाइस, दिस इज मी हसन मलिक वंस अगेन ऑन पाकिस्तानी रिएक्ट। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हसन अली ने जो वाघा बॉर्डर पे एक्ट किया है उसके बारे में पाकिस्तानी आप रिएक्शन दो। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा यार, ऐसी रिक्वेस्ट ना हमसे किया करो कि जिसमें दोनों कंट्रीज के इमोशन हर्ट हो। तो हमें सीधे सीधे जो वीडियोस हैं, जैसे कि फनी कोई चीज होगी या कोई मूवी होगी, उस पर हम रिएक्शन करते हुए अच्छे लगते हैं। ऐसी वीडियोस पे हमें रिएक्शन के लिए ना कहा करो जिसमें के दोनों कंट्रीज के इमोशन हर्ट हो। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अब मेरा ख्याल है हमें देखना चाहिए कि बेसिकली हसन अली ने क्या एक्ट किया है जिसके ऊपर दोनों कंट्रीज का मीडिया और लोग जो हैं वो इतने भड़क रहे हैं। सो आई थिंक मूव करना चाहिए वीडियो की तरफ और देखना चाहिए हसन अली ने क्या किया है। सो इससे पहले कि हम मूव करें, प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू ऑलरेडी आर सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। तो गाइज देखते हैं क्या किया है हसन अली ने, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर बॉलर है। 22 उम्र उनकी, हाँ सिर्फ 22 ईयर उनकी एज है। तो देखते हैं उसने क्या किया। 1 2 3 4 ये हसन अली आए हैं बॉर्डर पे और बहुत तेज चलते हुए जा रहे हैं, और ये इन्होंने अपना ट्रेडमार्क जो है ये बॉलिंग भी करते हैं, अपना स्टाइल सिग्नेचर स्टाइल कहते हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ इंडियन है एक तरफ पाकिस्तानी। ये था जी उनका एक्ट, जिनके बारे में दोनों तरफ की मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा आग बुआला हो रही है कि ऐसा क्यों किया। बिल्कुल, तो और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसा नाजेबा काम जो है वो किया गया है जिसके ऊपर इतनी आग लगाई जा रही है या इतना भड़काया जा रहा है एक दूसरे को या इंडियंस को, इससे रेलेवेंट मेरा नहीं ख्याल कोई इशू करना बनता। एक तो ये कि ये पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर वो ये एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सेकेंडली ये कि जो वो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो क्रिकेट मैचेस के दौरान वो अपना जनरेटर स्टाइल बहुत दफा परफॉर्म कर चुके हैं, अक्सर करते रहते हैं। और यहाँ पे एक और बात मैं कहूंगा, एक तो वो पाकिस्तान के अंदर रह के कर रहे हैं ना कि इंडिया में कर रहे हैं, दूसरा ये कि हम दोनों गए हैं वाघा बॉर्डर, वहां पे वो नारे लगा लगा के बंदे का जोश इतना ज्यादा हो जाता है कि बंदा पता नहीं चलता कि वो क्या करने के लिए हो जाता है। दोनों तरफ से, इंडिया की तरफ से भी इतने लोग वो इमोशनल हो जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ से इतने हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो उसकी एज इतनी थोड़ी है, उसने मतलब कर दिया, उसको कंट्रोल नहीं हुआ। सेकंडली एज फैक्टर यहाँ पे बहुत मैटर करता है। थर्डली ये कि वाकई मून भाई की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जब हम वाघा बॉर्डर पे या इंडियन बॉर्डर पे जाते हैं तो जो इंडियन पीपल्स होते हैं जो वहां पे विजिट करने आते हैं, जो ऑन द अदर साइड पाकिस्तानी पीपल होते हैं, वहां पे इतनी नाराबाजी और इतना जोश और खरोश होता है दोनों कंट्रीज पे, किसी एक में नहीं, दोनों मुकाबलेबाजी में एक दूसरे को भरपूर जवाबदेही में ना मुकाबला कर रहे होते हैं, चाहे वो इस तरफ किसी और तरह से हो, चाहे वो गानों की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। सो वहां पर जाकर अगर ये एक्ट परफॉर्म हुआ है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां के एक्ट को इतना सीरियसली कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वहां पे अवाम बैठी बहुत सारे ऐसे एक्ट परफॉर्म कर रही होती है, अपनी अपनी सरजमीन पर रहते हुए कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसको एटलीस्ट इतनी तो वो मेरे ख्याल में है ना, जो अपने कंट्री में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस तरह इंडिया, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हसन अली किया, हम ये भी कहते हैं कि इंडियन प्लेयर भी आके अपने अपनी तरफ जो मर्जी करे, हमें पाकिस्तानी को कोई मसला नहीं है। सेकंड चीज मैं एक और भी कहना चाहूंगी, यहाँ पे मैंने ना बहुत सारी जगहों पे ये कमेंट्स बिल्कुल पड़े हैं कि आईपीएल में पाकिस्तानियों को आने नहीं दिया गया या कुछ इस तरह का सीन हुआ है, तो उसके जो है उससे भड़ास निकालने के लिए जो है वो पाकिस्तानी ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आईपीएल कंसिडर्ड एज एन इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान की पीएसएल होता है, तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की रीजन हो सकती है पीछे बिहाइंड द सीन के जो है वो हमने सिर्फ आईपीएल की वजह से जाके उन्होंने ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर हसन अली ने करना ही था तो जो पाकिस्तान की थी ना अवाम,
या पाकिस्तान की जो ऑडियंस थी उसकी तरफ मुंह करके कर देता है, तो अगर इंडिया की तरफ करके ना करता तो इतना इशू नहीं बनना। लेकिन इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इस एक्ट में कोई बेहुरमती हुई है इंडिया के, जो इंडिया वाले जो है उसको इतना बढ़ा रहे हैं और ऊपर लेके जा रहे हैं इस चीज को। सो आई थिंक थोड़ा आपको भी तहमुल मिजाजी से का मुजाहरा करना चाहिए और थोड़ा इंडियन मीडिया को और पाकिस्तानी मीडिया दोनों को करना चाहिए। साथ साथ इस तरह के बहुत सारे एक्ट जो है वो होते रहे तो मिलके रहना चाहिए, ना के इस तरह से एक दूसरे के साथ आग भरगोला होके एक्ट करना चाहिए। एक और बात भी कहूंगा कि इस तरह के अगर चीजें नहीं होंगी दोनों कंट्री से, कुछ इंडियन की तरफ से भी होते हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह के एक्ट होते हैं, तो इस तरह के एक्ट होते हैं तो फिर ही तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने का मजा आता है। बिल्कुल, फिर ही जज्बात ज्यादा वो उभरते हैं और पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो पूरे वर्ल्ड में पता चल जाता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो सारे लोग देखते हैं। यही तो पॉइंट्स होते हैं उसमें कि दोनों तरफ से नोकाटोकी होती रहती है तो मीडिया उसको उठाती है, फिर जब मैच होता है तो बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, इन्हीं वजूहात के बिना पे मेरा ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच और स्टेडियम जो है वो जंग का मैदान बना हुआ है और दो टीमें आपस में एक तरह से जंग ही लड़ रही होती है। सो यही कुछ पॉइंट होते हैं। लेकिन खैर बस ये है कि करना चाहिए कि जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ग्राउंड ही अच्छा लगता है, जो फौज है उनके लिए बॉर्डर अच्छे लगते हैं, जो प्लेयर है हसन अली या हमारी टीम है या इंडिया की पूरी टीम है, उनको चाहिए कि इस तरह के एक्ट अपने ग्राउंड में करे तो ज्यादा अच्छा लगे, ना कि इस तरह करे। अगर इस तरह के हमें करना नहीं चाहिए, मतलब जिससे दोनों कंट्रीज में लड़ाई पैदा हो या इसका इंतजार पैदा हो, तो इसको ग्राउंड में अच्छा लगेगा मेरा ख्याल। बिल्कुल, खैर वंस अगेन मैं यहाँ पे वीडियो वाइंड अप करते हुए एक रिक्वेस्ट अपने सब्सक्राइबर्स से करना चाहूंगी कि प्लीज हमें इस तरह के लिंक्स और जो है वो रिक्वेस्ट ना किया करें जो कि हमारे लिए डिफिकल्ट हो परफॉर्म करना। जैसे बहुत सारे लोग 9/11 पे भी कहते हैं, उस पर भी हम रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हम नहीं चाहते। हम लोग सिर्फ यहाँ बैठे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉजिटिविटी, नॉट फॉर द नेगेटिविटी। और ये जो इश्यूज हैं ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज हैं, सो इनको मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ पे इस चैनल पे बैठ के डिस्कस करना चाहिए। सो हम जस्ट बेस लेवल को डिस्कस करना चाहते हैं, सो प्लीज नेक्स्ट अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे हम अपनी वीडियो वाइंड अप करते हैं। हमारे आर्डर डायरेक्शन जो आप देखना चाह रहे हो ऊपर नीचे आ रहे हैं, हमने आईपीएल पे भी रिएक्शन दिया वो भी आप देखें, और हमारे दोनों चैनल आपको नीचे नजर आ रहे होंगे, उन्हें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा, उसे भी फॉलो अप करना मत भूलिएगा, और फर्दर सजेशन के लिए हमें वहां पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।